बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें अंबेडकर पीपल्स वॉइस और बेल आइकन दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, मैं रुद्राम रोडी और आप देख रहे हैं हमारी यूट्यूब चैनल अंबेडकर पीपल्स वॉइस। दरअसल आपको बता दें कि डीडीए की और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद दिल्ली विकास प्राधिकरण यानी डीडीए की कार्यवाही के बाद दिल्ली के तुगलकाबाद में स्थित संत शिरोमणि गुरु रविदास जी का मंदिर है वो तोड़ दिया गया था। इस डिमोलाइज करने के बाद आक्रोशित बहुजन समाज ने न केवल दिल्ली बल्कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान सहित कई राज्यों के अंदर जमकर आंदोलन किए। इसमें आपको बताया कि पंजाब बंद भी रहा, हरियाणा में भी कई जगह पर जाम, रोड बंद और शहर बंद तक की खबरें सामने आई थी। दिल्ली में भी 21 अगस्त को बहुत ही बड़ा आंदोलन प्रोटेस्ट हुआ था। इसके अलावा भी 19 अगस्त को भी दिल्ली के अंदर बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ। इसके अलावा भी छोटी छोटी जगह पर बहुत बड़े बड़े आंदोलन किए गए, जिसमें मंदसौर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, इन तमाम राज्यों के अंदर अलग अलग जगहों पर आंदोलन किए जा रहे हैं। आज भी कई जगहों पर जैसे गोरखपुर, जालंधर सहित कई जगहों पर प्रदर्शन किए जा रहे हैं। इधर आपको बता दें कि इस मामले को लेकर कांग्रेस की तरफ से एक पिटीशन यानी रिव्यू पिटीशन दायर किया गया था, याचिका दाखिल की गई थी कि आखिर इस मामले को लेकर क्या कुछ तरीके से यानी कि जिस तरीके से ये डेमोलाइज किया गया वो गलत तरीके से किया गया था। और इस मांग को लेकर कांग्रेस के दलित नेता अशोक तंवर की तरफ से एक रिव्यू पिटीशन दायर किया गया। इसके उनके साथ थे पूर्व मंत्री प्रदीप जैन भी शामिल थे। उन दोनों ने मिलकर हरियाणा जो सुप्रीम कोर्ट है उसके अंदर रिव्यू पिटीशन दाखिल किया था। आज कोर्ट की कार्यवाही के अंदर क्या कुछ हुआ ये हम खुद जानते हैं, खुद अशोक तंवर जी से जो कोर्ट के अंदर मौजूद थे। क्या कुछ हुआ, उन्होंने क्या कुछ कहा वो सुनिए। संत शिरोमणि रविदास महाराज जी का जो मंदिर तुगलकाबाद में 10 अगस्त को तोड़ा गया था, उसके लिए हम लोगों ने या न्याय के मंदिर में पीछे रिट पिटीशन फाइल की थी। आज उसके ऊपर लंबी सुनवाई हुई और दोबारा सोमवार के लिए हम लोगों को बुलाया है, मंडे को फिर दोबारा सुनवाई होगी। और इससे निश्चित तौर पर जो इस देश के अंदर 7-8 करोड़ जो लोग हैं जो संत शिरोमणि रविदास जी को प्रत्यक्ष तौर पर मानने वाले हैं और अप्रत्यक्ष तौर पर दूसरे धर्मों में भी उनकी वाणी का वर्णन मिलता है, उनसे कई करोड़ लोग जो हैं इंस्पायर होते हैं, प्रेरणा लेते हैं और उस स्थान पर पूजा अर्चना करने का, उस स्थान पर जाने का मौलिक अधिकार हम लोगों का जो है वो हम सबको मिले, ये हमने बात रखी। और यकीन है कि इन पूरे मामलों की और जन भावनाओं को देखते हुए आगे की सुनवाई होगी। हम धन्यवाद करते हैं और सभी साथी जिन्होंने इस मुद्दे को लेकर के संघर्ष किया उनको भी बधाई है और मुझे लगता है कि सही दिशा में आने वाले समय में ये पूरा मामला है वो आगे चलेगा। थैंक यू।